स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी प्रेम जमाल क्लास टीचर हूँ। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, लेक्चर नंबर 3 है और आज डेट है 17 अप्रैल 2021। प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रेप की इंग्लिश की बुक है और आज मैं आपको पेज नंबर 2 की रीडिंग करवाऊंगी। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है क्लास वर्क 17 अप्रैल। अब यहाँ पे लिखना है रीड एंड आस्क व्हाट इज दिस, इट इज आ, इट इज एन। जिसके साथ आ आता है तो उसके साथ आप आ लगाओगे, जिसके साथ एन आता है तो आप उसके साथ एन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर है क्यू यू आई एल टी क्वाइल, आर ओ पी ई रो, एस एन ए आई एल स्नेल, टी ए पी टैब, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, अम यू एम अम, ब्रे बी आर ई ब्रे, अम ब्रे डबल एल ए रा अम ब्रे ला, वायलन वी आई ओ एल आई एन वायलन, डब्ल्यू ए डबल एल वाल, एक्स आर ए वाई रे एक्स रे, वाई ए के याग, जेब जेड ई बी जेब, आर ए रा जेब रा। आप इसका तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हो, जेड ई बी जेब, आर ए रा जेबरा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज दिस, क्वेश्चन आंसर भी कर लेना। व्हाट इज दिस, इट इज अ क्वाइल। व्हाट इज दिस, इट इज अ रो। What is this? It is a snail. What is this? It is a tape. What is this? It is an umbrella. आपसे मैंने पहले भी कहा था कि ए ई आई ओ के साथ तो ये वॉवल्स हैं, इनके साथ एन लगेंगे, बाकियों के साथ क्यू आर एस जो भी है, जितने भी हैं उनके साथ आ लगेगा। तो यहाँ पर है इट इज एन अम्ब्रेला। वॉट इज दिस, it is a violin. What is this? It is a wall. What is this? It is a x-ray. What is this? It is a yard. What is this? It is a zebra. अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये सारे वर्ड्स दोबारा अगेन इन्होंने रिपीट किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है रीड, वाई ए के याग, जैसे ऊपर है अब इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है वाई ए के याग, टी ए पी टैप, एस एन ए आई एल स्नेल, वी आई ओ एल आई एन वायलन, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला, एक्स आर ए वाई एक्स रे वाल, डब्ल्यू ए डबल एल वाल, आर ओ पी ई रो, क्यू यू आई एल टी क्वाइल, जेड ई बी आर ए जेबरा, ठीक है। अब अगेन रिपीट करती हूँ, क्वाइल rope, it is a coil, it is a rope, it is a snail, it is a tap, it is an umbrella, it is a violin, it is a wall, it is a x-ray, it is a yak, it is a zebra। प्यारे बच्चों, ये आपने पेज नंबर 2 की घर में अच्छी तरह रीडिंग करनी है, ऊपर डेट मेंशन करनी है, क्लास वर्क 17 अप्रैल, और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और इसकी स्पेलिंग भी अच्छे तरीके से याद करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।